हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनके अंक कम आए हैं। परिणाम सभी को पता है 30 जून को जारी कर दिया गया है और ऐसे में बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं हो आया है, यानी कि मार्क्स ज़्यादा नहीं आए हैं, रैंक बहुत ज़्यादा आई है। ठीक है, मार्क्स जो है 100 से भी कम है, 50 से भी कम मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे हैं। तो ऐसे छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा या मैं दोबारा तैयारी करूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इंस्टाग्राम पर कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी कल नहीं परसों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने गवर्नमेंट सीट के बारे में बताया था कि कितने मार्क्स तक वाले बच्चे गवर्नमेंट सीट के लिए ट्राई करें, गवर्नमेंट सीट अपने लिस्ट में इंक्लूड करें और चांसेस बन रहे हैं कितने नंबर वालों को गवर्नमेंट सीट मिलने की। तो आज की इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा कम अंक वाले छात्रों के लिए, प्राइवेट कॉलेज पे फोकस करूंगा कि भैया कितने अंक वालों को प्राइवेट कॉलेज निश्चित तौर पे मिल जाएगी। देखिए, कई तरीके से होता है। एक होता है कि भैया हाँ इतना अंक है मुझे मेरा मन का कॉलेज मिल जाएगा, नहीं फर्स्ट चॉइस मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा ये होता है कि हाँ अगर मैं 2-4-10 कॉलेज डालूंगा तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज कोई हमें मिल जाएगा। ठीक है, नज़दीकी कॉलेज हमें कोई मिल जाएगा। तीसरा ये कैटेगरी होता है कि भैया हाँ मिलेगा तो लेकिन कोई मिल जाएगा, यूपी में कहीं भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो किसको कौन किस तरीके से मिलेगा कॉलेज, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो भले 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, लेकिन वीडियो जो आएगी वो फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आएगी, फुल रिसर्च के साथ आएगी और पूरे ऑथेंटिकेशन के साथ आपको जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो आप उत्तर प्रदेश बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। इसके साथ साथ भैया आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी अपडेट्स देता रहता हूँ। देखो भाई, काउंसलिंग जिस राउंड में अगर आपकी है और उस राउंड में आप काउंसलिंग नहीं कराते हो और छूट जाता है काउंसलिंग, तो आपका समझ लो एक साल बर्बाद हुआ, कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो भैया अपडेटेड रहोगे आप लोग, और इसके साथ साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे आप मुझे अपना मार्क्स और अपना स्टेट रैंक बताकर आप ये भी जान सकते हो कि मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा या गवर्नमेंट मिलेगा। तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो, मेरा यूज़र आईडी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, या फिर आप सर्च करके भी जा सकते हो। ठीक है, और फॉलो कर लेना ताकि आगे की अपडेट्स वहाँ पर आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहां पर आज हम बात करने वाले हैं ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो बस ये चाहते हैं कि मुझे कम से कम प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए या कहीं मुझे एडमिशन मिल जाए। ठीक है, तो अब देखिए मैं बताने वाला हूं, 3 कैटेगरी मैंने बताया प्राइवेट कॉलेज के लिए। ठीक है, निश्चित मैंने ये बताया कि देखिए अगर आपका मार्क्स जो है वो 150 से 200 के बीच में है, ऐसे कैंडिडेट को मनचाहा कॉलेज, अपने घर के पास का सबसे नज़दीकी कॉलेज, फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि 150 से 200 के बीच में स्टूडेंट्स को 110% उनके फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिल जाएगा, घर के पास का कॉलेज मिल जाएगा। तो इसका ये मतलब मत सोचना कि सर ने बोला है, कॉन्फिडेंस से बोला है, तो आप सिर्फ एक ही कॉलेज डाल दो कि भैया बस यही कॉलेज हमें लेना है, मार्क्स तो मेरे अच्छे ही मिल जाएगा। इस चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पछताना पड़ा है। एक कॉलेज कभी भी मत डालना, ऑप्शन में ज़रूर डालना कई सारे कॉलेज, और अगर आपके नंबर कम हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज डालने की कोशिश करना ताकि आपका साल बर्बाद ना हो, कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। ठीक है, तो मान लो आपका 150 से 200 के बीच में मार्क्स है तो कम से कम एटलीस्ट 10 कॉलेज आप ज़रूर चुनना। ठीक है, और टॉप पे टॉप 3 कॉलेज जो ऊपर रखना वो अपने मन का कॉलेज रखना, और 110% चांसेस है कि फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस ही आपको मिल जाएगा। बट खुदा ना खास्ता कि डिमांड ज़्यादा है बीएड की, रैंक मतलब आपका है ठीक ठाक, तो हो सकता है कि आपका एक दो सीट जो है वो नीचे वाला मिल जाए, चौथा पांचवा मिल जाए, हो सकता है बाई चांस ना मिले पहला चॉइस या दूसरा चॉइस। तो इसलिए भैया बैकअप में रखना जरूर है, मैं लेकिन बोल रहा हूँ कि फर्स्ट चॉइस मिल जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि एक ही कॉलेज डालें, आप लगभग 5 से 10 कॉलेज जरूर चूज़ करिएगा, लिस्ट बनाइएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों 100 नंबर से लेकर 150 नंबर के बीच में जिनके मार्क्स हैं, इनको भी एडमिशन 110% मिल जाएगा। लेकिन बस ये है कि घर के पास का कॉलेज मिलना मुश्किल है, आसपास का कॉलेज, थोड़ा दूर का कॉलेज या फिर बगल के डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज आपको मिल सकता है, एडमिशन आपका हो जाएगा। और आप कम से कम 10 से 15 कॉलेज चूज़ करना, 150 से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ, और पूरा वीडियो को देखना। गलती बच्चे यहीं करते हैं काउंसिलिंग में, कॉलेज कितने चूज़ करने चाहिए
कितने अंक पे, देखिए जितना ज़्यादा आपकी रैंक है, मैं बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, जितनी ज़्यादा आपकी रैंक है जितना कम आपका नंबर है, सिंपल सा फंडा है काउंसलिंग में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप ट्रिक चाहते हो तो ट्रिक यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज करें, जितना कम नंबर उतना ज़्यादा कॉलेज लिस्ट में डालना। अगर बहुत कम नंबर है, मैं कह रहा हूँ 10, कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी कॉलेज आप चूज़ कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ 10, 20, 30, 40 कॉलेज आप डाल दो अगर आपके बहुत कम नंबर है, ठीक है, मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन 100 से 150 के बीच में, तो मैं बता रहा हूँ कम से कम मिनिमम आप 10 से 15 कॉलेज चूज़ करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया भैया, मैंने पहला बता दिया जिनको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, आपके मन का कॉलेज मिल जाएगा 150 से 200 के बीच में मार्क्स वालों को। 100 से 150 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आप थोड़ा सा संख्या ज़्यादा रखना कॉलेज की लिस्ट में, 15-15 कॉलेज आप लगभग चूज़ करना, और आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपको आपके घर के बहुत नज़दीकी कॉलेज ना मिलकर थोड़ी सी दूर 10-15 किलोमीटर के रेंज में आपको मिल जाए, या घर डिस्ट्रिक्ट के बगल पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट का आपका कोई कॉलेज मिल जाए, बट मिल जाएगा 110%, ठीक है। बस थोड़ा कॉलेज की लिस्ट लंबी रखना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ऐसे स्टूडेंट का जिनके 50 से लेकर 100 नंबर तक मार्क्स आए हैं, ठीक है। कमेंट में करना आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, 50 से 100 के वाले के बीच में आ रहे हो, या 100 से 150 वाले के बीच में आ रहे हो, या 150 से 200 के बीच में आ रहे हो, कमेंट में बताना मुझे। इंस्टाग्राम पे भी आके मुझसे बात कर सकते हो नंबर के रिगार्डिंग, ठीक है। अब 50 से 100 के बीच में जिनकी नंबर है, तो सबसे पहले मैंने क्या फंडा बताया कि जितना कम नंबर उतना ज़्यादा कॉलेज, तो आप भैया कम से कम 20-25 कॉलेज चूज करना, ठीक है। 20 कॉलेज तो रखना ही, 15 से 20 कॉलेज आप रखना। 50 से 100 नंबर अगर आपके हैं, 50 से 100 नंबर के बीच में मार्क्स आए हैं, तो कम से कम आप 15 से लेकर 20 कॉलेज, ठीक है, और ज़्यादा ही हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जितना ज़्यादा रखोगे उतने चांसेस आपके बढ़ते हैं। और ये काउंसलिंग के टाइम यूनिवर्सिटी भी ये रेकमेंड करती है स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट को वहाँ पर नोटिस भी लिखा रहता है कि आप ज़्यादा से, अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉलेज कोई ना कोई मिले, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज़ करिए, ठीक है, काउंसलिंग के लिए। तो आप कम से कम 15 से 20 कॉलेज डालना 50 से 100 मार्क्स वाले। अब बहुत सारे इस कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके 50 से भी कम नंबर आए हैं भैया, ठीक है, बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 50 से भी कम नंबर आए हैं, वो तो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब 50 से 100 नंबर वाले भैया तो निश्चिंत रहना, ज़्यादा ज़्यादा कॉलेज अगर आप डालोगे तो आपका, देखो पहली बात तो 50 से 100 नंबर वालों का जहाँ तक थर्ड या फोर्थ राउंड में ही जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। और 100 से 150 वालों का एक बार मैं बता दे रहा हूँ, रैंक वाली बता दे रहा हूँ। देखिए अगर आपके आपका 200 से 200 प्लस मार्क्स हैं आपका, ठीक है, देख लीजिए 200 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो आपका फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग होगा, ठीक है। अगर आपका 150 से 200 के बीच में मार्क्स हैं, ठीक है, तो आपका ये सेकंड राउंड में जाएगा काउंसलिंग, ठीक है। उसके बाद अगर आपका 100 से 150 के बीच में मार्क्स हैं, ठीक है, तो ये आपका थर्ड राउंड में लगभग जाएगा आपका काउंसलिंग, ठीक है। और अगर आपका 100 से नीचे है मार्क्स, ठीक है, तो आपका ये फोर्थ राउंड में काउंसलिंग होगी। तो अब आप खुद देख लीजिए आपका कौन से राउंड में होगा। तो ये हो गया ना, अब मैं बात कर रहा था 50 से कम नंबर वाले मार्क्स बच्चों का। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भैया 30-35-40 कॉलेज चूज़ कर लेना आप अच्छे से, ठीक है, बचे हुए। और आपका फोर्थ राउंड में काउंसलिंग होगा तो बहुत कम सीटें हुई बचेंगी, तो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करना कि ज़्यादा ज़्यादा कॉलेज को चूज़ करें, ठीक है। और आपको कॉलेज मिल सकता है, लेकिन 50 से कम नंबर वालों को मैं रेकमेंड करूँगा, सजेशन दूंगा कि आप पहले काउंसलिंग तो चल रही है, ठीक है, क्योंकि आपका लास्ट में काउंसलिंग होगा फोर्थ राउंड में, तो आपको वेट करना पड़ेगा लगभग 1 महीने प्रोसेस रहेगा। पहला राउंड होगा, फिर पहला राउंड का अलॉटिंग होगा, फिर सेकंड राउंड होगा, फिर थर्ड राउंड होगा, फिर फोर्थ राउंड हो गया, तब आप करा पाओगे। तो तब तक आप क्या कोशिश करना कि आप केवल काउंसलिंग पर डिपेंड न रहना, आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में रहना, यानी आसपास के कॉलेज में अगर आपकी कोई जान पहचान है, कोई लिंक है आपका, तो आप वहाँ पर बात करके रखना कि सर मुझे एडमिशन लेना है यहाँ पर, ठीक है, एक सीट आप मेरा रखिए, ठीक है, तो आप वहाँ पर काउंसलिंग करवा सकते हैं, डायरेक्ट भी आप एडमिशन ले सकते हैं, आपका जो हो सकता है होल्ड करके रखें या कुछ हो वहाँ पर पढ़ना, तो हो जाता है, पहले से फीस वगैरह ले लेते हैं, तो इस तरीके से रखना। और कॉलेज आप काउंसलिंग में डालना जरूर, काउंसलिंग जरूर करवाना, ज़्यादा ज़्यादा कॉलेज चूज़ करोगे तो 50 से कम नंबर वालों को भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। और अगर नहीं भी हुआ तो आपका जब पूल काउंसलिंग होगा या डायरेक्ट एडमिशन का जब विंडो खुलेगा तब आप किसी भी कॉलेज में जाकर ले सकते हो, पूरे यूपी में कहीं भी, ठीक है। हाँ, ये है कि 100 से और 50 से कम नंबर वालों बच्चों को यूपी में कहीं भी कॉलेज मिल जाएगा तो बड़ी बात है, मिल ही जाए बस बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल में आपको बात किया है, हर एक चीज़ बताया है, ट्रिक भी बताया है और कैसे करना काउंसलिंग, इसके बारे में वीडियो भी बनाऊंगा, आप लोगों की काफ़ी डिमांड है। अभी कोई डेट नहीं आई है काउंसलिंग की, ये मैं बता दे रहा हूँ, अभी कोई ऑफिशियली डेट नहीं है, तो डेट के लिए बार बार आप लोग मैसेज कर रहे थे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहले 10 जुलाई जो थी टेंटेटिव डेट थी, बट अभी कुछ ही दिन पहले यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जब तक अपेयरिंग कैंडिडेट वालों का यानी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आएगा सभी विश्वविद्यालय का यूपी में, तब तक काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं शुरू
शुरू की जाएगी। तो निश्चिंत रहिए और आप लोग सब कुछ समझते रहिए कि सरिकस काउंसलिंग वो कैसे हमें करना है ताकि कोई भूल चूक ना हो, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मुझे आप इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें और मुझसे बात भी कर सकते हैं अपने मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो के एंड तक देखने के लिए। वीडियो को शेयर करना ना भूले, कमेंट में अच्छा लगा तो थैंक्स जरूर बोल देना।